हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक ऑलरेडी पहले से मैंने वीडियो बना दिया है इसका, और वो टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में मैंने आपको प्रूफ किया था फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ जान लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, और पीछे का जो टॉपिक था ना आपका रेस्ट एंड मोशन का या फिर एवरेज वेलोसिटी का, एक्सेलरेटेड मोशन का, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेंगे आज। और साथ ही साथ आपका जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख सकते हैं, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, उस क्वेश्चन पर आपको काम करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, वो सारा क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको सर्कुलर मोशन के बारे में कि ये क्या कहता है कि एक एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पाथ ऑन सर्कुलर ऑर्बिट। एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को चेंज कर रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग सारा का मोशन जो पढ़े थे ना वो सब एक्सेलरेशन था। एक्चुअली में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया है। तो स्क्वायर में क्या है कि ए से बी पर जाता है कोई ऑब्जेक्ट, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है और फिर वापस ए पे आता है, कुछ ऐसा मूवमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो डायरेक्शन कितनी बार बदल रहा है। तो एक बार ए पे बदलेगा, फिर बी पे बदलेगा, फिर सी पे बदलेगा, फिर डी पे बदलेगा। इसका मतलब डायरेक्शन जो चेंजेज हो रहा है वो चार टाइम्स, कितने बार हो रहा है, फोर टाइम्स इसका डायरेक्शन जो है वो बदल रहा है। उसी तरह से अगर मैं इस फिगर में देखूँ तो आप देख रहे होंगे इसमें कितनी बार बदल रहा है, तो एक दो तीन चार पाँच, मतलब फाइव टाइम्स बदल रहा है ना। अगर मैं इस फिगर को देखूं तब क्या होगा भाई, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बार, मतलब कितनी बार बदल रहा है, एट टाइम्स बदल रहा है। तो अगर हम लोग इस सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में तो ये इनफाइनाइट टाइम्स बदलेगा ना, क्योंकि एवरी मोमेंट पे उसका डायरेक्शन बदल रहा है। एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ डायरेक्शन गेट चेंजेज। और उसका अगर हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन करें तो वो क्या होगा, टेंजेंट होता है। इसके डायरेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंटली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्शन जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स बदल रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब डायरेक्शन बदल रहा है इसका मतलब क्या, ये जो मोशन होगा ना वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये अलग बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि ये मोशन क्या होगा, ये मोशन आपका एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये हमेशा आपको बातें ध्यान में रखनी है कि अ बॉडी अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर इन एक्सेलरेटेड मोशन। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन जो है ना वो एवरी मोमेंट बदल रहा है इसका। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से हम लोग इसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन प्रोवाइड किया है, ये मान लो एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसका रेडियस मैंने आर दे दिया है। तो ए से बी जाता है, मान लो वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या कर रहा है, एस डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो कि सर्कुलर पाथ का एक पार्ट है ना। और जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल क्या है, थीटा। मतलब ए से बी पर जाने में जो जितना एंगल वो सर्कुलर पाथ के सेंटर पे बना रहा है वो एंगल क्या है, थीटा है। देखो इसी एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यही एंगल हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आप देख रहे होंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने डिफाइन किया, इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड ऑन सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना। सर्कुलर पाथ के सेंटर पे जो एंगल बनता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे क्या है, थीटा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, थीटा। अगर मान लो ये वन रेवोल्यूशन करता है, वन रेवोल्यूशन अगर मान लो कोई
ऑब्जेक्ट करता है, तो ऐसे कंडीशन में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π रेडियन। क्यों मैं बोल रहा हूँ रेडियन, क्योंकि इसका SI यूनिट जो होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट रेडियन होता है ना। आपको याद होगा जब SI यूनिट आप पढ़े हैं तो SI यूनिट में आपको बताया गया होगा कि 7 SI यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट होता है, तो वो जो सप्लीमेंट्री SI यूनिट होता है उसमें होता है ना रेडियन और स्टे रेडियन, जो कि एंगल का होता है ना रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टे रेडियन। तो इसीलिए मैंने इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन। अब हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी का। देखिए एंगुलर वेलोसिटी समझना आसान है, क्या है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ क्या है, ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा बाई टी, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया। और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा फिर, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन, और टी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, मतलब रेडियन सेकेंड इनवर्स 1, यही हो जाएगा, है ना। और अगर आप 2π रेडियन के बदले में देखोगे, तो एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे, 2π रेडियन जो आपका है, ये 2π रेडियन इज इक्वल टू, अगर हम लोग एंगल के टर्म में देखें तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 2π रेडियन का कहने का मतलब क्या हुआ, एक पूरा, मतलब अगर ए से स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट फिर वापस ए पर ही आएगा, तो 2π रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और जब 360 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, फिर पाई रेडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पाई रेडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360/2, ये ध्यान देना है आपको। तो आप यहाँ से 1 रेडियन का वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना, ये आप खुद निकालिएगा, बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो कि 2π रेडियन का वैल्यू इतना, पाई रेडियन का वैल्यू इतना, तो 1π 1 रेडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हो इसको। ओके, चलिए आगे का टॉपिक अब हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग अब देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी जो है, या एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है। आप देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अभी हमने क्या कहा, थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू L/R, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा R, है ना। और लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ये L जो है हमारा क्या है, डिस्टेंस है, तो लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, तो L/T, वही दिया हुआ है, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, θ/T, और थीटा का वैल्यू क्या होता है, L/R। अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के वैल्यू को, तो L/R(t) हो जाएगा, और L/R(t), तो L/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, या V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप ये आपको समझ लेना है इसको। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते जा रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। एक्चुअली में कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है ना, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने की वजह से क्या लगता है भाई, तो इस पे दो फोर्स लगता है। एक फोर्स जो सेंटर के टुवार्ड्स लगता है, टुवार्ड्स सेंटर लगता है, और एक फोर्स सेंटर के अवे लगता है, अवे सेंटर लगता है। तो सेंटर के टुवार्ड्स जो लगता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स। ये है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, और इससे जो अवे लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंटर के टुवार्ड्स जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब देखो यहाँ मैंने वही बताया है कि अ काइंड ऑफ फोर्स विच पुल मूविंग बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ टुवार्ड सेंटर, है ना, जो सेंटर के टुवार्ड्स उसको पुल कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और इस फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F=mv²r, जहाँ पे m मास हो गया और v²r जो हो गया ना, वो एक्चुअली में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। वही मैंने यहाँ पे आपको बताया, जिसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। अभी मैंने बताया ना आपको कि एक ऑब्जेक्ट अगर मान लो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे अभी हमने बताया ना कि एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी बदलेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदलेगा। जब डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा, और जब वेलोसिटी बदलेगा इसका मतलब क्या है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है।
वही मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, है ना। और इसको अगर हम लोग एसी से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और यही वैल्यू देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो एम इंटू एसी हो गया, एम बी स्क्वायर बाई आर, वही है सेंट्रीपेटल फोर्स का ये इक्वेशन, आपको आगे हायर क्लासेस में काम देगा। और अगर हम लोग वी स्क्वायर, इसको हम लोग वी स्क्वायर बाई आर करते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है ना। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, है ना। जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा ना, उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑर्बिट के टुवर्ड्स होगा, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, सर्कुलर मोशन, और उससे रिलेटेड जो है बहुत सारा मतलब रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप आपको ये भी याद रखना है, देखिए v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी मैंने कर दिया है, जो 2 पाई ये फॉर वन रेवोल्यूशन के लिए, वन रेवोल्यूशन में 2 पाई हो जाएगा ना। अभी मैंने बताया ना कि 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री, तो वन रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होगा, तो इसीलिए कर दिया v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपके एनसीईआरटी में इसी रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा अच्छे तरह से बात किया गया है। तो इस सारे जो रिलेशनशिप आप देख रहे होगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, या f इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये सारे के सारे जो आप रिलेशनशिप देख रहे हो ना, ये सारा रिलेशनशिप आपको फर्दर न्यूमेरिकल्स में काम देता है। ओके, तो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो देखिए ये न्यूमेरिकल्स क्या कहता है। पहला न्यूमेरिकल आप देखो, अ बाइसिकल इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 15 किलोमीटर पर आवर। देखो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, याद होगा मैंने पहले भी बताया था आपको, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में क्या हो जाएगा भाई, तो वेलोसिटी इतना से इतना बदल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर पर आवर बदल रहा है, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर, और v इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, v इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम मेरा क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। अब देखो टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, और ऊपर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मैंने बताया था ना कि किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 10 इंटू 5 बाई 18 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। उसी तरह से v इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 15 इंटू 5 बाई 18 ऐसा कुछ कर देंगे हम लोग। जब ऐसा करेंगे तो u और v मेरा मीटर पर सेकेंड में निकल जाएगा। अब इसी वैल्यू को हमको कौन सा इक्वेशन में पुट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको याद होगा क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यही था ना फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, या फिर a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब देखिए इसी इक्वेशन पे ये वैल्यू आपको पुट करना है, मतलब v का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, u का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, और t देखिए ये दिया हुआ है, तो आपका a आसानी से निकाल सकते हो, है ना। इसको आपको खुद से निकालना है, चूँकि मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपका कैलकुलेशन जो है पावर स्ट्रांग भी होगा। अगर मान लीजिए आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, तो इससे आपका कैलकुलेशन पावर भी स्ट्रांग होगा। तो आप खुद से इसको सॉल्व करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट बॉक्स में आकर के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ए इज इक्वल टू हो गया क्या, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब u दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब टाइम आपको दे रहा है 5 सेकेंड, और आपसे भी पूछा जा रहा है, आसान है ना। देखिए अभी फिर से वही फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो जाएगा ना फर्स्ट इक्वेशन हमारा। तो v इज इक्वल टू जब u प्लस 80 है, तो ऐसे कंडीशन में हमको निकालना क्या है, भी निकालना है, भी निकालना है ना। अब u a और t सब मेरा दिया हुआ है, इसी इक्वेशन पे आपको ये वैल्यू पुट कर देना है, आपको यूनिट बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारा चीज़ अवेलेबल है आपके लिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो इसको। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, क्या कहता है कि अ बुलेट हिट्स अ वॉल विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब u बराबर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, एंड पेनेट्रेट इट, वॉल में इंटर कर जाता है डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे s दे रहा है कितना,
5 सेंटीमीटर। अब देखो मीटर पर सेकंड में सेंटीमीटर में है, तो इसको आपको बदल लेना है, क्या हो जाएगा 5/100 मीटर हो जाएगा ये, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिएगा ना आप, तो हमने यूनिट को इक्वलाइज कर लिया है। अब हमको एस दे दिया, यू दे दिया, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल और बुलेट, मतलब आपसे पूछा जा रहा है ए। अब देखो अच्छा भी क्या हो जाएगा, चूंकि जैसे ही वॉल में इंटर किया तो क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या जीरो, भी बराबर तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है और ए पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, थर्ड इक्वेशन मोशन आपको याद होगा। थर्ड इक्वेशन मेरा क्या था, क्या था थर्ड इक्वेशन मेरा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही था ना इक्वेशन हमारा। तो देखिए ए यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, यही होगा ना। तो इस फॉर्मूला पे आपको ये सारा जो डेटा है वो सारे डेटा को बैठाइए, और बैठाने के बाद आपको आंसर आ जाएगा, है ना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आंसर जो होगा वो आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको क्लू दे दिया है, चूंकि रिटार्डेशन पूछ रहा है ना, अगर देखो एक्सेलरेशन रखेंगे तो क्या माइनस रखेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे रिटार्डेशन लिख लोगे तो ये वैल्यू माइनस में आपको नहीं रखना है, ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं रखना है, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव में रखना है, जो भी वैल्यू आपको आए वो पॉजिटिव में रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बाइसिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 किलोमीटर, देखिए एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट, है ना। मतलब भी का वैल्यू आपको क्या दे रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर, और टी दे रहा है आपका क्या, 10 मिनट। देखो किलोमीटर पर आवर में है और टी मेरा मिनट में है, तो मिनट को हमको आवर में बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10/60, ये क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, है ना। अब क्या कहता है आपसे, 10 मिनट देन डिसलरेट। देखिए सबसे पहले तो आपको यहीं से कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि भी और टी दे रहा है, और ये कैसा मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या, भी इंटू टी, एस इज इक्वल टू भी इंटू टी, तो भी मेरा क्या है 5, और टी मेरा क्या हो जाएगा 10/60, है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 50/60 किलोमीटर। देखिए पूरा मैं सॉल्व करने की मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, और आपको फिर आगे पूरा टोटल सॉल्व कर लेना है, खुद से सॉल्व करना है आपको, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। अब कहता है देन डिसलरेट एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है ये डिसलरेट कर रहा है, तो ए का वैल्यू आपको देखिए माइनस में लेना है ना, क्योंकि डिसलरेशन है ना, नेगेटिव वैल्यू है ये, तो क्या हो रहा है 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये मेरा ए दे रहा है। टिल इट स्टॉप, मतलब भी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया, स्टॉप कर रहा है ना, भी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, तो मेरा यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, वी एक्चुअली में 5 किलोमीटर पर आवर जो आप देख रहे हो, ये 5 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो यहाँ पे यू के काम कर जाएगा, क्योंकि 10 मिनट तक तो इसका स्पीड यही का यही रह गया, तो ये यू का काम कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ओके अब देखिए तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर निकालना है और टाइम निकालना है, दोनों चीज़ हमको निकालना है। तो देखिए टाइम निकल जाएगा ना यहाँ पे, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी माइनस यू बाई ए। अब देखिए ये वैल्यू आपको रखना है और यहाँ से टाइम निकाल लेना है, उसी तरह से आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2s, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, है ना। और इस तरह से आप s भी निकाल सकते हो। तो ये दो इक्वेशन मैंने आपको बता दिया है, सारा डेटा आपको दिया हुआ है, गिवन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इस इक्वेशन पे आपको वैल्यू रखना है और अपना सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको अलग टाइप का है। तो देखिए क्वेश्चन का क्या कहता है, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड, 20 मीटर का कवर डिस्टेंस कर रहा है 7 सेकेंड में, मतलब 7 सेकेंड में ये कितना कवर कर रहा है, 20 मीटर।
एंड 24 मीटर इन 9th सेकेंड. 9th सेकेंड में ये कितना कर रहा है? 24 मीटर. हाउ मच डिस्टेंस शुड बी कवर इन 15 सेकेंड? तो 15 सेकेंड में वो क्या कर रहा है डिस्टेंस कवर, यही क्वेश्चन है आपका. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दे दिया, एक फॉर्मूला ऑलरेडी होता है, एसेंथ सेकेंड इज इक्वल टू होता है, मतलब कि पहला सेकेंड दूसरा सेकेंड, अगर मान लो 7th सेकेंड है तो एसेंथ सेकेंड मतलब 7th सेकेंड का डिस्टेंस कितना लिखेंगे? 20 मीटर. और यू आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ए एक्सेलरेशन हो गया, 2n, n जो आप देख रहे हो वो क्या है, वो नंबर ऑफ सेकेंड जो है, मतलब कि 7th सेकेंड है तो यहाँ पे वैल्यू n का क्या हो जाएगा, ये जो है वो टाइम को बता रहा है, ये वैल्यू किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है. अब देखिए इसी इक्वेशन पे हम लोग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए हम क्या लिखेंगे, एसेंथ सेकेंड. एसेंथ सेकेंड मतलब क्या हो गया, मान लो पहले के लिए वैल्यू रखते हैं तो हम क्या रखेंगे, S7th सेकेंड रखेंगे. तो S7th सेकेंड में क्या हो जाएगा, U प्लस A का वैल्यू मेरा नहीं दिया हुआ है तो A और बटा क्या 2, और ये 7th सेकेंड है ना तो 2 × 7 − 1 ऐसा कुछ लिख लेंगे हम लोग, है ना. अब डिस्टेंस कवर कितना किया है, 20 मीटर, तो यहाँ पे हम रखेंगे 20, है ना. तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस A बाई 2, और देखिए 7 × 2 = 14 माइनस 1 = 13 × 13. या फिर हम कर सकते हैं 20 = U प्लस A बाई 2, 13 a/2 भी कर सकते हैं, 13 a/2, ओके, हम ऐसा भी लिख सकते हैं. या फिर हम लोग U इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 − 13 a/2 लिख सकते हैं क्या, आप देख रहे होंगे, है ना. अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन वन हो गया, इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं. अब हमारा क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कर रहा है 24 मीटर इन 9th सेकेंड, तो एस 9th सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस ए बाई 2 × 9 − 1 होगा ना, जो इक्वेशन है उसी पे मैं कर रहा हूँ. तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24 मीटर, 24 मीटर कवर किया तो क्या हो जाएगा, U प्लस 9 × 18 − 1 = 17, तो 17 a/2 हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना. अब देखो U बराबर फिर आप लिख सकते हो, या फिर U का वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं. तो देखिए ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया. अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, Putting the value of 1 in क्या 2, है ना, 1 का वैल्यू हम 2 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो U का वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 24 = क्या, 20 − 13 a/2 और प्लस क्या हो जाएगा, 17 a/2 ऐसा हो जाएगा. अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 − 20 = क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 a/2 − 13 a/2 हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं. या फिर 4 = क्या हो जाएगा, देखिए 17 − 13 है तो क्या हो जाएगा, 4 a/2 ऐसा हो जाएगा ना. अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए 4 a = क्या, 4 × 2, तो a = क्या हो जाएगा, 4 × 2/4, मतलब क्या हो जाएगा, 2 m/s². a का वैल्यू आ गया 2 m/s². अब इस वैल्यू को देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो. तो इस वैल्यू को अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, इन इक्वेशन वन मैं लिख देता हूँ, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 − 13 × 2/2 ऐसा हो जाएगा. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 m/s. अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है 15th सेकेंड में. तो फिर से मेरा वही फॉर्मूला हो जाएगा क्या, S15th, है ना, S15th सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो U का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, देखिए 7 प्लस और एक्सेलरेशन मेरा क्या आ गया है, देखिए 2 m/s², तो क्या हो जाएगा, 2/2,
और चूंकि 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जो कवर कर रहा है 15 सेकेंड का था, तो 2 इंटू 15 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, ये वैल्यू आपको निकालना है और बताना है आकर के कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसका वैल्यू क्या आया है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हमने कुछ एग्जांपल दे दिया है सर्कुलर मोशन जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड। देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड ऑफ अ वॉच। एक वॉच जो आवर हैंड है ना उसका आपको एंगुलर स्पीड बोलता है। और दूसरा क्वेश्चन है अर्थ का भी स्पीड आपको बताना है अपने ओन एक्सेस पे। बहुत आसान है इस चीज़ को समझना। देखिए आवर्स हैंड जो होता है वो क्या होता है, 12 आवर में वो अपने पोजीशन पे होता है ना। तो 12 आवर में जब अपने पोजीशन पे होगा तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 60 गुने 60 सेकेंड में हम इसको कन्वर्ट कर दिए, इतना सेकेंड हो गया। 12 आवर इज इक्वल टू, अब इतना सेकेंड में वो कितना रिवोल्यूशन मारता है, तो इतना सेकेंड में वो कितना मारता है, 2 पाई है ना। तो एक सेकेंड में क्या मारेगा, तो 2 पाई बाई क्या, 12 इंटू 60 इंटू 60। ओके, यही है एंगुलर स्पीड, 2 पाई बाई टाइम है ना। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू आपको जो भी आए, मान लीजिए मैं सिंपल अगर प्रूफ इसको ये करता हूँ तो 6 से काटेंगे हम लोग इसको, और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पाई बाई 21600 हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको अर्थ के लिए निकालना है, दूसरा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, अर्थ के लिए निकालना है, तो अर्थ का भी जो रिवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, अपने एक्सिस पे 12 आवर्स में ये भी घूम जाता है। तो 12 आवर में घूम जाता है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 12 आवर इसका भी हो जाएगा, 12 इंटू 60 इंटू 60 कुछ ऐसा हो जाएगा है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट अराउंड अर्थ एट सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ दिया हुआ है इतना, मतलब आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.4 × 10⁶ मीटर है ना, क्योंकि अर्थ से लगभग इतने डिस्टेंस पे है। एक मतलब ये अर्थ है और एक जो मूव कर रहा है ये आपका सेटेलाइट, सेटेलाइट जो मूव कर रहा है इसके ऊपर उसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 2.4 × 10⁶ मीटर, यही दिया हुआ है आपका। अब कहता है 24 आवर, टाइम कितना दिया हुआ है, 24 आवर, 24 आवर को हम क्या करेंगे, 24 × 60 × 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ये आसान है, आपको फार्मूला याद होगा, क्या निकालना है, वेलोसिटी में निकालना है, एक राउंड का वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, तो 2 × π × 2.4, आर का वैल्यू कितना है, 2.4 × 10⁶ बटा 24 × 60 × 60, ये वैल्यू आपको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड से रिलेटेड आपका जो न्यूमेरिकल्स था वो मैंने बता दिया। और आपका इस तरह से मोशन का जो टॉपिक है ना आपका, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है ना, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आपको बार बार समझने के लिए वीडियो को देखना है और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, आपको आपका जवाब मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पर बने रहने के लिए।